हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज हम घूमने आ रखी है बहुत दिन के बाद, तो धूप काफ़ी अच्छे है। वैसे तो हो गया मतलब 5-6 दिन हो गया, अभी बारिश अभी थोड़ा सा धूप सही है। तो अभी हम घूमने आए हैं, अभी धूप अच्छा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है पूरा। यह देखो कितना गहरा है यहाँ पर, अगर गिर जाएंगे तो एक हड्डी भी नहीं मिलेंगे आपको। देखो पहाड़, ऊँचे ऊँचे पहाड़, पूरा पहाड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये है एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है, चाय का इंतजार कर रहा है। ये बहुत चाय पीते हैं, चाय के बिना जी नहीं सकते। ये अभी देख रहे हैं इसका बच्चा रो रहा है यहाँ पर। सीरियल सीरियल की दीवाने हैं। मुझे तो सीरियल वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं बस वीडियो बनाने का मुझे शौक है बहुत ज़्यादा, साथ में आप सभी को भी दिखाने का। तो मुझे बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करना, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो आगे चलकर मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करना गाइस। सपोर्ट करेंगे तो ऐसे पहाड़ देखने मिलेंगे, अच्छे अच्छे पहाड़। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, और वो भी देखने को मिलेंगे आप सभी को। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अभी आप दोनों अच्छा चलो, अच्छा लगा। तो ये अंकल पहचान गया हम कहाँ से है, तो आप ये इधर ही रहते हो अंकल? ये कार खड़ी है ना, ये पूरा आपका ही है? अच्छा हाँ, मालूम बढ़िया था इनको। तो मैं कहाँ से हूँ? ये भूटान से है, तो नॉर्थ ईस्ट के ही है सर। तो गाइस हमको हर कोई पहचान जाता है, क्योंकि हमारे आँख छोटे हैं और नाक चिपता है, इसकी वजह से सब लोग हमें एक ही नज़र में पहचान जाते हैं, और हमारे लैंग्वेज से मतलब पहचान जाता है। जैसे कि ये अंकल भी अभी पहचान के बोल रहा है कि तुम लोग अरुणाचल के हो ना, ऐसे बोल रहा था। हम यहाँ पर आए थे ना, तो व्यूज के मजे ले रहे थे। यहाँ पर इनका दुकान है, शॉप है, आप देख सकते हो। तो ये है अंकल का शॉप, ये आपका है ना अंकल? आप दोनों ही रहते हो बस? बच्चे आते हैं कभी कभी, आते होंगे स्कूल गए, छोटे बच्चे भी है?
अच्छा पोटा, अच्छा तो ये है अंकल का दुकान पहाड़ों की। अच्छे है, अच्छा इधर ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जहाँ से गंगा निकली है। अच्छा इधर ही गंगा 3000 किलोमीटर चलती है, 3000 यहाँ से स्टार्ट हुआ गोमुख से। अच्छा इधर से, मुझे लगा मुझे तो केदारनाथ बगैर इधर ही होगा जैसे लगा मुझे। तो लेके आती है ना, फ्लो होती है, फ्लो निकली वहाँ से। अच्छा फिर इधर ही शिमला, इधर ही शिमला। तो गैस अंकल कह रहे हैं इस साइड शिमला है बोल रहे हैं और इस साइड केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे है बोल रहे, पर हमने तो कभी गए नहीं है। अच्छा फिर इधर ही अंकल, अच्छा इस इधर ही तिब्बत है, चाइना। अच्छा अच्छा फिर यहाँ से जाने में तो गाड़ी से जाना पड़ेगा ना इधर से तो, नहीं पर रोड कहाँ से है, रोड तो इधर से तो है नहीं, लाल टिप्पा होके जाना पड़ेगा होगा। अच्छा कैंटीपो होके जाते हैं। अच्छा तो गैस अंकल कह रहे हैं कि इस साइड शिमला वगैरह है और इस साइड कहाँ पे इधर बालू जंगल में। अच्छा इधर जो जंगल है ये वाला, अच्छा तो हमको तो पता नहीं है गाइस। तो अंकल कह रहा था कि मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ इधर ही है, इस साइड ही है बोल रहा था, तो शिमला इस साइड है कह रहा है और यहाँ पर बालू वगैरह बहुत ही आते कह रहा है। ये जंगल है ना पूरा, ये पूरा जंगल है, यहाँ बालू वगैरह बहुत आते कह रहे हैं, पूरा जंगल है, जंगल है ये पहाड़ों के बीच में। नीचे जो है वैसे घर भी बहुत सारे है, तो आप देख सकते हो। ये अच्छा लगा वैसे अंकल से बात करके। और इधर ही ये कह रहा है, ये केदारनाथ बद्रीनाथ इधर ही है बोल रहे हैं। हाँ शिमला इधर है बोलते है, यकीन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, नहीं रहा है ना। हाँ। इधर है बोल रहे, पता नहीं इधर किधर होगा। जो वो पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ पर थोड़ा सा एक टुकड़ा जो वो भड़प की है वो ये इधर ही होगा केदारनाथ। हाँ जाता कैसे, कैंपटी फॉल होके जाता है बोल रहे ना इधर से। कैंपटी फॉल ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जो हमें ना पहचाने, छोटी आँख चिपटा नाक और हमारे लैंग्वेज से हर कोई पहचानता है। बोलता है कि तुम लोग अरुणाचल की हो ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे पूछते हैं। जैसे ये अंकल भी पहचान गया, हमको बोल रहा है कि तुम लोग अरुणाचल की हो ना, नॉर्थ ईस्ट की हो। हाँ है, मैंने बोला कि कैसे पहचान गया आप, कैसे पहचाना आपको, तो मैंने ऐसे पूछा तो कह रहा था कि मतलब हमारा जो बोलेगा लैंग्वेज जो है ना, बोलने का तरीका जो है उसकी वजह से पहचान जाते हैं। कैसे चेंज करें हम। तो गैस आप देख सकते हो यहाँ पहाड़ का नज़ारा। ये अंकल कह रहा था यहाँ नीचे बहुत मतलब बालू वगैरह शेर वगैरह रहता है यहाँ पर नीचे, ये देखो। अभी हम जाएंगे नीचे नीचे, तो मैंने दोस्त को बुलाया नीचे जाने के लिए, अभी जाके देखें नीचे क्या है क्या नहीं, जाके देखते हैं हम। तो गैस आप देख सकते हो अभी हम नीचे जा रहे हैं, बहुत नीचे है आप देख सकते हो। अंकल ने बोला है कि बालू मिलते हो, बालू देखने जा रहे हैं हम नीचे। अच्छा दी है ना, हम बालू देखने जा रहे हैं ना। हाँ चल नीचे चल के देखते हैं क्या है। तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, वो अंकल कह रहा है कि यहाँ नीचे जंगल में बहुत मतलब भालू शेर वगैरह रहते हैं, चलो देखते हैं। हम भी शेर नहीं है भाई, क्या काम पे जाना है, मन भी नहीं लग रहा है, वही तो जाएंगे भी नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो अभी काफी देखो बहुत नीचे है ये, हम आगे नीचे तो जाएंगे, वहाँ पर नीचे जाएंगे, हम भी देखते हैं भालू है कि नहीं, वहाँ जाके देखते हैं। अंकल ने बोला भालू वगैरह है तो होते हैं बोले यहाँ से। चल ना, डर रहा है क्या, डर रहा है मेरा खाने देना पहले, ये डर रहे हैं। तो गैस अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत ही मतलब काफ़ी दिन के बाद धूप भी अच्छा आया और ऊपर से मतलब मज़ा ही आ रहा है घूमने में, तो यहाँ तो मज़ा ही मज़ा है पहाड़ों में और मुझे चलने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखो हिट हो गई है, हम गए हमको देखे ये देखो भाग गए ऐसी था, कुतुक 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 कुतुक, डर क्यों रहा है हमको, हम कुछ नहीं करने वाला। तो चलो कहाँ से जाते हैं नीचे तक, हम जाके देखते हैं रास्ता, जिधर से चलते हैं उधर से चलेंगे हम भी। आ जल्दी आ, तो जाने। तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, देखते नीचे क्या है, जल्दी आ जाइए दोस्त मेरा पार्टनर। तो हम नीचे जाते हैं, नीचे सबसे नीचे क्या है देखते हैं। जाने में तो अच्छे है, जा सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब आसान है जाने में चलने में, पर आते वक्त जो है ना बहुत ही दिक्कत होता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है ना बहुत, मतलब पैरों में दर्द हो जाता है पूरा। तो चलते हैं फिर भी, आज तो काम धाम तो नहीं है, फ्री है,
जाके देखते हैं, बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। वैसे बैटरी भी नहीं है मेरा, अगर पता होता मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि मतलब मैं कहाँ से क्या शुरू करूँगी, अचानक से प्लान बन जाता है मेरा। कोई बात नहीं, मैं तेरे को भूखे लेकर आ जाएगा, आ जा। तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत ऊपर से आए हैं अभी, अभी और भी नीचे जाना है। मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ मुझे कोई प्लानिंग नहीं होता कि मैं ऐसे बनाऊँगी वैसे बनाऊँगी, अचानक से प्लान बन जाता है, अचानक से हम बाहर निकल जाते हैं, अचानक से वीडियो बनाती हूँ मैं, अचानक से झटका दे देती हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, काफ़ी नीचे जाना है। ये पूरा जंगल जंगल है, आप देख सकते हो पूरा जंगल है गाइस, पहाड़ में पूरा घर ही घर, ये पूरा पहाड़। तो अभी काफ़ी नीचे तक जाएंगे हम, जल्दी आओ ना, तोड़ गया, हमें पकड़ेगा तेरे को, ले मैं पकड़े इसको ऐसे, चप्पल से खींच लेगा, लो आ गया। तो हम नीचे जा रहे हैं, अभी नीचे जाना है हमको, काफ़ी ये है ना चराई है ना यहाँ पर, पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पर, आप देख सकते हो। देखो ये घूमने का जगह नहीं है, देख व्यूज़ देखने का जगह है। तो गाइस हम आ चुके हैं, आप यहाँ से व्यूज़ पहाड़ थोड़ा सामने दिखते हैं, ये देखो यहाँ से पहाड़ कितना सामने दिखते हैं, वहाँ से हमें देख रहे हैं। पूरा पहाड़ों के ऊपर घर ही घर, अच्छा है ना यहाँ से, हाँ ना उधर चल चल के देखते ना, चल चल है वही तो, इधर जाने देगा कि नहीं देगा, कोई है ही नहीं, किसके घर में डाका मार जा रहा है, नहीं इधर वो आओ, हम इधर जा रहे हैं, कोई है ही नहीं, हम इधर जाए नहीं जा सकते, क्यों जाने नहीं दे रहे, जाने का मिलेगा दूसरा घर में जागने के लिए, जागने थोड़ी जा रहा है वहां पर भी तो मना नहीं जा रहे। तो वैसे हमें आगे जाना था तो हमें जाने नहीं दिया, वो लोग ने मना कर रहे कि वहाँ जाने का जाने नहीं देते, वहाँ पर बंद है। वैसे हम पहाड़ देखने आए थे, सोचा कि वहाँ से जाएंगे तो थोड़ा पहाड़ दिखेंगे, अच्छा पहाड़ दिखेंगे, तो जाने नहीं दिया हमको ऐसे। ये देखो पहाड़ पीछे का बैकग्राउंड देख रहा है, पता नहीं क्यों हमें इतना घूर घूर के देखते कि जिंदगी में कभी देखा नहीं जैसे हमें, है ना दी, इतना घूरते हैं हमें। तो अभी अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जितना चल के आए थे उतना ऊपर चल के जाएंगे ऊपर। तो गाइस हम नीचे गए थे, नीचे कुछ भी नहीं है, हमको जाने भी नहीं दिया। तो अभी फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी देर के बाद आ चुके भाई, थक गया, पूरा गर्मी भी लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ऊपर से मैंने ये हाईनेक पहन है और ये भी बहुत गर्म है ये वाला, पूरा गर्मी लग रहा है मुझे, पता नहीं था मुझे आज इतना धूप मतलब तेज होगा, है ना दी, बहुत दिन के बाद धूप, आज पहली बार मतलब धूप निकल के आए ना, धूप से निकल के छाँव से पिचल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गए दुनिया बुला के। तो अभी फाइनली ऊपर आ चुके हैं गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं अभी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर नज़ारा है, यहाँ देखो पहाड़ गिरा है, देखो ऊपर से ये रोड जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से पहाड़, देखो ये मिट्टी वगैरह गिर गया, पत्थर गिर गया, वहाँ नीचे देखो कितना गहरा है, आप खुद देख लीजिए आपकी आँखों के सामने, ये देखो कितना गहरा है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं, ये पूरा गोल सी राउंड है यहाँ से लेके, या देखो यहाँ से लेके हम यहाँ से आए, अभी पूरा ये गोल घूमना है, राउंड घूमना है, अभी पूरा घूमना है, हम जा रहे हैं अभी आगे, थोड़ा मुझे काम भी है, पोस्ट ऑफिस भी जाना है मुझे, तो इसलिए तो अभी जा रहे हैं यहाँ से चक्कर लगा के। बहुत दूर है ये, घूम के इधर से तो जाना है उधर, पिक्चर पहले चलो कि उधर पोस्ट ऑफिस, ऐसे भी हम जा रहे हैं अभी यहाँ आगे शमशान घाट है, मैंने इसको बोला कि मेरे को छोड़ के मत जाना मुझे बहुत डर लगता है, अगर छोड़ के गया तो मैं तो खत्म, मैं तो मर जाऊंगा डर से, बहुत डर लगता है मुझे, मैं बहुत डर फूकूँ। तो फिलहाल अभी मैं कैमरा को ऑफ करती हूँ, जाते हैं अभी, मेरे को डर लगता है शमशान घाट से बहुत ज़्यादा, इधर आओ। तो गाइस ये है शमशान घाट, ये पास में ही है यहाँ पर, मुझे डर लगता है, मैं वीडियो ज़्यादा भी नहीं बनाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पाऊँगी डर से, तो मैं अभी फिलहाल ऐसे ही ऑफ करे तो कैमरा को, डर क्या दिखता है,
कैमल बैग तो ये है ना, देखो पहाड़ी का ऊंट है ये, देखो ऐसा रॉक दिखाऊंगा आपको, ये दिखाएंगे, ओल्ड मसूरी दिखाएंगे, ये वाला ये कहाँ पर है फिर, दिखाऊंगा ना इसमें, नहीं नहीं देखना क्या आ रहा है, मैं देखो हिमालय का रेंज देखो सामने, ये 50 रुपए एक आदमी का सब देखने का, पूरा साइड देखने का 50 रुपीज में आपको सब दिखा देंगे हम, नहीं हम जो जाकर देखेंगे इसमें तो देखो नजारा नजर आएगा, कहानी क्यों से मुलाकात हो गई, खराब रोड बना रहे अभी।